बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स और गॉसिप्स के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। रिलीज हो गया जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क का ट्रेलर। रोमांस ड्रामा और किसिंग सीन से लैस है फिल्म धड़क का ये ट्रेलर। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के लिए आज बड़ा दिन है। जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म से जानवी कपूर अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। निर्माता करण जौहर की फिल्म मराठी फिल्म सैराट का रीमेक है। ट्रेलर की शुरुआत ओरिजिनल फिल्म के गाने जिंगाट से होती है, जो कि इस बार भी हर किसी को थिरकने के लिए मजबूर कर देगा। मैं थारे लिए एक दिन बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा। बड़ी कोठी नहीं चाहिए, मैंने मारा घर चाहिए, अपना घर। इस फिल्म की कहानी को राजस्थान में दर्शाया गया है। फिल्म के ट्रेलर में दोनों के प्यार, तकरार और जुदाई, हर इमोशन को बेहतरीन अंदाज में दर्शाया गया है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर इन दोनों एक्टर से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ट्रेलर की बात करें तो दोनों की एक्टिंग में काफी दम भी नजर आ रहा है। इस फिल्म में आशुतोष राणा की भी धमाकेदार भूमिका नजर आ रही है। ट्रेलर रिलीज से पहले भाई अर्जुन कपूर ने जानवी कपूर को बधाई देते हुए उनके लिए एक तस्वीर भी शेयर करी और एक खूबसूरत मैसेज भी लिखा। ईद का जश्न बॉलीवुड में शुरू हो चुका है और आए दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इफ्तार पार्टी में नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी ने भी एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सलमान खान से लेकर कैटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस भी पहुंचे थे। याद हो कि बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सालों के बिछड़े यार शाहरुख खान और सलमान खान ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने गिले शिकवे मिटाए थे। इस साल सलमान तो पार्टी में पहुंचे, लेकिन शाहरुख खान कहीं दिखाई नहीं दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस इस पार्टी का हिस्सा बनी। सलमान खान की कथित गर्लफ्रेंड जूलिया वंतूर और एक्ट्रेस मोनी रॉय भी यहां पर नजर आईं। सलमान खान के पिता सलीम खान, दोनों भाई सोहेल और अरबाज, दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता भी पार्टी में नजर आईं। टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, बॉबी देओल, रितेश देशमुख से लेकर टीवी एक्ट्रेस हिना खान, आमिर अली, संजीदा शेख, भारती सिंह यहां मौजूद हुए। फिल्म रेस 3 ईद के मौके पर यानी कि 15 जून को रिलीज होने वाली है और इफ्तार पार्टी में रेस 3 की पूरी स्टार कास्ट नजर आई। बॉलीवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंचायती टाइम्स।